नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा उसके दूसरे फरार साथी अजय के ऊपर भी पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस लगातार सुशील के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सनसनीखेज हत्याकांड में घटना के बाद से ही 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार फरार चल रहा है। न्यूज 18 की खबर के अनुसार पुलिस ने सोमवार देर रात इस भारी भरकम इनामी राशि की घोषणा की। दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर इस इनाम की राशि की घोषणा की गई है। इस इनामी राशि की घोषणा किए जाने की पुष्टि सोमवार देर रात उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त ने भी की है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर 1,00,000 का इनाम। सागर पहलवान हत्याकांड में फरार चल रहा सुशील कुमार, अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हत्यारोपी सुशील कुमार। छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान की पीट पीट कर हत्या का आरोप। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। वेबसाइट के अनुसार फरार सुशील पहलवान के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी किया जा चुका है। इसके पहले सुशील के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC भी जारी हुई है। सुशील की फरारी को लेकर हाल ही में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को एक खत लिखकर अवगत भी कराया था कि वह हत्या और अपहरण के एक मामले में फरार है। सुशील छत्रसाल स्टेडियम में बतौर डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है। उसी स्टेडियम में लॉकडाउन के दौरान पहलवानों के 2 गुटों में मारपीट हुई थी। पहलवान मर्डर केस में घायल पीड़ित का दावा है कि सुशील कुमार इस झगड़े में संलिप्त हैं। इस मारपीट में एक जूनियर पहलवान की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी गैंग के बदमाशों के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार सुशील कुमार ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जो जमानत याचिका दायर की थी, फिलहाल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि घटना 5 मई की है और 2 लड़कों ने फायरिंग की है। फायरिंग किसने की, इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो कार मिली, लेकिन कोई गवाह नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सबसे अहम यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सभी इंजरी मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, वो सब मौत से पहले के हैं। वहीं पहलवान सुशील कुमार के वकील ने कहा कि इंजरी गन से नहीं हुई है, फायरिंग हवा में की गई थी। उन्होंने कहा कि मकसद हत्या का नहीं था और इसलिए 302 IPC नहीं लगनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर मामला इतना गंभीर है तो सुशील कुमार भाग क्यों रहे हैं, पुलिस जांच में सहयोग करें। सुशील के वकील ने कहा कि कार से जो हथियार बरामद हुए हैं वह सुशील के नहीं है। उन्होंने कहा कि सुशील अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपिक में कई मेडल जीत चुके हैं। सुशील की ओर से पेश हुए एक दूसरे वकील BS जाखड़ ने कहा कि पुलिस ने मेरे खिलाफ इस मामले में हेरफेर किया। जो घायल है सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, उसने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया, ये मेरे खिलाफ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने मेरे खिलाफ केस में हेरफेर की है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि घायल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसका बयान नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि जहां तक सुशील के तमाम अवार्ड जीतने की बात की गई है तो हमें उस पर गर्व है। हमने पासपोर्ट इसलिए रख लिया था क्योंकि हमें डर था कि वह कहीं देश छोड़कर भाग न जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके भी कई कारण हैं। सुशील की पत्नी के पास एक फ्लैट था जहां दूसरे आरोपी सोनू रह रहे थे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जहां सुशील को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत ने सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, इसलिए कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। दोस्तों, ऐसी ही ज़रूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके शेयर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।